सब लोग अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। जो आप मैम से अभी इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनका मैं आपको बताती हूँ। इतना ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बार बार मैम को पूछ के भी परेशान मत करो प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो मॉर्निंग से इवनिंग तक साई के लिए, शूटिंग रेंज के लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है। जितना आप सोच रहे हो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बहुत सिंपल सा है कि आपकी जो आईडी है वो लेके जानी है, आपकी मार्कशीट लेके जानी है, जो आपका टॉप सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाने हैं। बहुत सारे पूरे टोटल सर्टिफिकेट लेके जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपसे पहले वाले बैच में मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था। तो बस उसको ना लाइन अप करके आप ले आना, और वन बाई वहां पे जमा हो जाएगा, वन बाई वन जमा करके सबका हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। और किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो वहां पे जो सीनियर्स होते हैं वो आपको हेल्प कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जिसकी जो भी क्वायरी है वन बाय वन प्लीज मेरे से पूछे। एक साथ अगर सारे पूछोगे तो मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी शालिनी, मैम आपने डिस्टेंस के बारे में बताया था ना कि टारगेट और जो हम जहाँ पे खड़े होते हैं हाँ ओ जी, वहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैम प्लीज आप वो चीज रिपीट कर देंगे। ओके। जो हमारा स्टेशन होता है, स्टेशन जी से एग्जिट पॉइंट जो होता है टारगेट निकलने का, वो बीच की जो दूरी होती है वो 15 मीटर होती है। और जहां पे हम टारगेट को सेट करते हैं उससे आगे 10 मीटर पे एक पोल लगता है, वो 10 मीटर की दूरी होती है। और उसपे जो टारगेट सेट करते हैं वो 3.5 और 1.5 के डिस्टेंस पे सेट करते हैं, 3.5 और मैम 1.5। ओके थैंक यू मैम। और टारगेट का जो डिस्टेंस होता है, जो जहां जाके टारगेट लैंड करता है, गिरता है, वो 76 मीटर प्लस माइनस वन होता है। और टारगेट की स्पीड 100 से 100.05 पर आर के हिसाब से वो होती है। ओके मैम थैंक यू वेलकम। मैम। हेलो नेक्स्ट। मैम। हाँ जी, हेलो मैम। व्हाट्स योर गुड नेम? मैम माय नेम इज मिस्किटा, मींस क्लैरी मिस्किटा, क्लैरी मिस्किटा। हाँ जी क्लैरी। हाँ अच्छा मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो आगे का जब भी हम फोर हैंड जब भी ग्रिप करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए? जो आपका फोर हैंड है वो टाइट नहीं रहना चाहिए, मतलब आपका जो गन सेट है आपका ये वाला हाथ थोड़ा टाइट होना चाहिए, और ये सिर्फ एक सपोर्ट के लिए है, बहुत लाइट ही होना। सपोर्टेड, ओके। हाँ, इसको आपको टाइट नहीं पकड़ना है, इससे थोड़ा टाइट पकड़ना है जिससे कि गन कंट्रोल में रहे यहां से। कंट्रोल में, ओके। लेकिन अगर इसको टाइट करोगे तो फिर आप का इजी मूवमेंट नहीं रहेगा। ये तो मैम सिर्फ उसकी जो, हाँ बोलिए मैम, ये उसकी जो ग्रिप कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी ग्रिप नहीं, ग्रिप जब तो भी पकड़े? आप जैसे पिस्टल की पकड़ते हो, राइफल की नहीं, पकड़ते आगे से, हो, आगे से, फ्रंट से। आगे से, तो सिर्फ आपकी ये जो थ्री फिंगर्स होती हैं हाँ ये हाँ उसको इधर से कवर करेगी, और ये वाली नीचे सेंटर में रहेगी, और थंब ओके थोड़ा ओके ऊपर रहेगा, मतलब ये इस तरीके से। ओके मैम, ऐसे ओके। थैंक यू। वन वेलकम। क्वेश्चन मैम। गुड हाँ जी नवीन जी बताइए। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अरे हाँ जी मैम है, मैं ये कह रहा था मैम कि एक बार मैम आप जो भी हो शॉटगन का, मैम आप पोजीशन से लेके फायर तक का एक ओके लाइन में मैम समझा दीजिए प्लीज। एक लाइन में तो मैम सारा नहीं आएगा, कहीं सारी लाइन हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा ही प्लीज। हाँ मतलब वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन एक लाइन मैं नहीं बना सकती, उसकी कई सारी लाइनें मैं मुझे आपको बतानी पड़ेगी, स्टांस से लेके गन तक के लिए। तो जब हम ट्रैप में स्टेशन पे खड़े होते हैं, तो जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि सामने एक वाइट मार्क होता है, जब आप अपने स्टेशन पे जाते हो तो आपका जो लेफ्ट लेग है उसमें 1 o'clock के टाइमिंग में आपको वो रखना है, और जो आपका राइट लेग है वो आपको 2 and half में रखना है, और आपके जो नी है वो अनलॉक होने चाहिए। मतलब जैसे हल्का सा नी ब्रेक कर देते हैं हम
हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि नी ब्रेक कर दिया, जैसे आप राइफल में चलाते हो तो आपके नी अंदर एकदम टाइट आप उनको रखते हो, हम उनको ब्रेक कर देते हैं जिससे कि मूविंग में प्रॉब्लम नहीं होती हम लोगों को। उसके बाद जो हमारे पेल्विस हैं ग्लूट्स ऊपर से, उनको भी रिलैक्स रखना है ना कि टाइट पकड़ना है, क्योंकि हमारे जो ग्लूट्स हैं वो हमारे नीचे पैर को और बैक को एक स्ट्रेंथ देते हैं। अगर हम उनको टाइट करते हैं तो फिर हमारा मूविंग इजी नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। जब आप खड़े होते हो सबसे पहले आप ये चीजें देखोगे, उसके बाद आप अपनी गन को ग्रिप करोगे अपने लेफ्ट हैंड से, उसको मतलब जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसमें लेके आओगे, सामने से माउंट किया, देखा कि मेरी बीट सेंटर में है, आईज से जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी आईज बैक साइड है और जो बीट है आगे वो फ्रंट साइज है, एक बार मैच हो गया तो नीचे व्हाइट मार्क पे या उससे ऊपर जहां आपको रखना है आपको सामने देखना है, और आईज को सॉफ्ट करके जब आप रेडी होते हो तो टारगेट को कॉल करना है, 100% जब रेडी होते हो तब टारगेट को कॉल करना है। क्लियर है? ओके थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हेलो हाँ जी मैम, आपने जो किले की हाइट के बारे में बताया था, जब वो किले छोड़ती है स्टेशन पे तो मैक्सिमम वो कितनी ऊंचाई तक जाती है, और मैम मिनिमम जैसे कई बार अभी उत्तराखंड में एक मैच में ये हुआ कि जमीन से लोग 1 फुट ऊपर किले निकली थी सर, तो मैम इसका कुछ बता दीजिए मिनिमम कितनी नीचे हो सकती है। नहीं एक हाँ, उसको जो स्ट्रेट टारगेट वो होता है स्लाइड सा 5 मीटर या राइट हो जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं 0 डिग्री, कि जहां से है उसी की लाइन से वो नीचे निकल जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत नीचे टारगेट है। उसके लिए सिंपल होता है कि अगर आपकी आईज रिलैक्स है तो आप बिना गन को मूव ऊपर किए उस पर फायर कर देते हो तो वो टारगेट हिट होता है, बहुत ही ट्रिकी सा टारगेट होता है, दिखने में इजी लगता है, लेकिन अगर आपकी आईज रिलैक्स है बॉडी रिलैक्स है तो स्लाइड से उसकी तरफ जाके आप ट्रिगर प्रेस कर देते हो तो वो ब्लास्ट होता है, और जरा सा भी आपने जंप कर दिया तो टारगेट नीचे रह जाता है, आप ऊपर चले जाते हो उसमें। मैं वैसे रूल है कि कितने नीचे तक जा सकता है, मैंने आपको बोला था 1 by 1 प्लीज। मैम ऐसा कोई रूल है कि क्ले कितने नीचे तक जा सकती है? हाँ, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि 3.5 और 1.5 और 3.5 बीच में है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप चैट बॉक्स में बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। हाँ मैम, बाकी म्यूट वाली पे प्राइवेसी लगा दो माइक पे। मैम लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी मैम, जैसे आपने वहां तक बता दिया कि हम वहां पे व्हाइट डॉट पे रखना है अपनी आंखें, तो वहां से अब आप आगे कंटिन्यू कर दो कि हमें येलो कार्ड कब मिलता है, रेड कार्ड कब मिलता है, तो वो हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये शुरू से लेके एंड तक वो सारा कवर अप हो जाएगा। ओके, जो माल मतलब आपका जो आपने बोला येलो कार्ड कब मिलता है, ग्रीन कार्ड कब मिलता है और रेड कार्ड कब मिलता है, आपको येलो कार्ड मिल सकता है वो रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको येलो फर्स्ट में येलो देगा, सेकंड में ग्रीन देगा, और अगर थर्ड टाइम आप कोई मिस्टेक करते हो तो वो रेड देगा। और वो आपकी मिस्टेक किस तरीके की हो सकती है, जैसे आपसे पहला शूटर का फायर नहीं हुआ है और आपने गन उठा दी है तो उससे आप फर्स्ट वाले शूटर को डिस्टरबेंस होगा, जब तक फर्स्ट वाला अपना फायर नहीं खत्म करता है तब तक आप अपनी गन नहीं उठा सकते हो। अगर आपने ये गलती एक या दो से ज्यादा बार की तो पहले आपको येलो कार्ड मिलेगा, फिर ग्रीन कार्ड मिलेगा, और उसके बाद आपके पॉइंट डिडक्ट होंगे। ये है, एक आपको कार्ड मिलता है कि आप अपना जो शेल है उसको जोर से अगर आप थ्रो करते हो अपने सेकंड वाले जो बड़ी आपका फायर कर रहा है उसकी साइड, अगर आपने अपना खाली खोके निकाल के उसकी तरफ थ्रो किए जब वो अपना माउंटिंग कर रहे हैं तो उस पे भी आपको कार्ड मिल सकता है, या फिर आपके फेलो शूटर ने फायर नहीं किया आपके अगले वाले ने और आपने अपना स्टेशन छोड़ दिया है
उस कंडीशन में भी आपको येलो कार्ड मिल सकता है या उसके बाद दूसरी गलती करोगे तो ग्रीन कार्ड मिल सकता है, क्योंकि जब तक आपका आगे वाला फायर नहीं करेगा आप अपना स्टेशन नहीं छोड़ोगे। एक आपको मिल सकता है कि अगर आपने ट्रेंच पे फायर हो गया, आपने माउंट किया और आपका ट्रेंच पे ही फायर हो गया, तो एक बार मैं आपको शायद रेफरी छोड़ देगा लेकिन सेकंड टाइम में आपको कार्ड जरूर दिखाएगा, क्योंकि जब आप रेडी होते हो तो आपका फायर टारगेट के ऊपर ही होना चाहिए। अगर ट्रेंच पे फायर हो जाता है तो उससे वो ब्रेकेज होता है सामने से, और मतलब शूटिंग रेंज कि उसमें पेनल्टी के जैसे ही वो आपसे लिया जाता है कि ट्रिगर इतना आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर आप प्रेशर में ट्रिगर को जल्दी रिलीज कर दे रहे हो नीचे ही, आप उससे वो आगे टूट जाता है, ट्रेंच टूट जाता है, तो बाकी शूटर्स को फिर प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रेक्शन भी होता है। और वो जो आगे फायर हुआ है वो गलती से अगर बीच में फायर हो गया तो जो पैटर्न है वो फैल के किसी को हार्म भी कर सकता है। उस कंडीशन में रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ग्रीन देगा या डायरेक्ट आपके पॉइंट डिडक्ट करेगा। एक होता है कि जब हम स्टेशन नंबर 6 फर्स्ट टू 5 तक आप दूसरे स्टेशन पे जाते हुए अपनी गन के अंदर कारतूस डाल सकते हो, लेकिन एक सेकेंड, हाँ उसमें आप कारतूस डाल सकते हो लेकिन उसको बंद करके आप दूसरे स्टेशन पे नहीं जा सकते हो। 5 स्टेशन तक आप डाल सकते हो, लेकिन जब आप 5th स्टेशन से वापस फर्स्ट स्टेशन की तरफ आ रहे हो तो उस ड्यूरेशन में आप अपनी गन में एमओ डाल के नहीं आ सकते हो। अगर आपने ऐसा किया और रेफरी ने आपको देखा तो सीधे आपके 3 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। ये है माल फंक्शन का, सॉरी कार्ड्स का। हेलो, हाँ जी मैम, जो पीक पोजीशन है जिसके अंदर फॉरवर्ड पीक और फोर्स पीक जो है ना मैडम, उसमें डिफरेंस बताएंगे थोड़ा? हाँ, जो फॉरवर्ड करके बहुत ज्यादा चीख रखते हैं तो आपकी जो नेक की मसल होती है ये थोड़े टाइम बाद स्टिफ हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इससे हो जाती है, और अननेचुरल तरीके से अगर आप माउंट कर रहे हो तो बार बार आपका चीक हिल सकता है, या फिर एकदम से अगर टाइट आपने रखा हुआ है आगे फ्रंट करके और आप टारगेट को देखोगे तो आपका चीक उठ जाता है और आपका नीचे रह जाता है, गन नीचे रह जाता है, तो उस कंडीशन में आप टारगेट पे पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक था लेकिन ये लगा क्यों नहीं है, क्योंकि आपका चीक उसके ऊपर नहीं है तो माउंट नहीं है गन, तो वो पैटर्न कहीं का कहीं जाता है। इसलिए हमेशा इजी रिलैक्स करके आपको अपनी गर्दन रखनी चाहिए नॉर्मल वे में। मैम उससे क्या एल्बो पोजीशन के अंदर में भी कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, एल्बो एक अलग चीज हो गई। माउंट आप कर रहे हो तो एल्बो तो आपको मैंने बोला था कि 35 डिग्री आपकी रिलैक्स रहनी चाहिए दोनों साइड की। कुछ लोग ऐसे शूट करते हैं उसको खींच के पीछे, लेकिन उसके लिए उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी मसल मेमोरी वैसी बन जाती है जैसे आप काम करते हो। अगर हम किसी काम को 1000 बार गलत तरीके से भी करेंगे ना, उसमें भी हमारे टारगेट लगने लगेंगे क्योंकि हमारी मसल मेमोरी वैसी बन जाएगी, लेकिन गलत में कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा सही चीज सीखनी है, गलत चीज नहीं सीखनी है। आपके शोल्डर रिलैक्स है, आपकी एल्बो रिलैक्स है, आपका यहाँ से ग्रिप ना टाइट है ना लूज है, और ये वाला तो सिर्फ की मूविंग के लिए है, इसका कोई काम नहीं होता। मतलब जब राठौर सर हमारे साथ फायर करते थे तो वो कई बार एक ही हाथ से फायर करके दिखा देते थे, उनका ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये सिर्फ एक हल्के से सपोर्ट के लिए होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। अगर ये टाइट हो गया तो फिर आपका झटका लगेगा ही लगेगा। तो जो आपका फोर एंड है वो हमेशा रिलैक्स होना चाहिए और ये थोड़ा टाइट होना चाहिए बस। तो मैम बेटर है कि स्टैंडर्ड पीक के हिसाब से हम चलाएंगे वो सबसे अच्छा रहेगा शॉट? सॉरी, स्टैंडर्ड पीक पर रखेंगे? स्टैंडर्ड पीक पर, हाँ। स्टैंडर्ड मतलब कि नॉर्मल आपने रखा है, बहुत ज्यादा खींच के भी नहीं रखा और बहुत ज्यादा ऐसे पीछे करके भी नहीं रखा, क्योंकि पीछे में आपकी आंखें हमेशा नीचे जाएगी। आपको इजी नॉर्मल रखना है कि आपकी आईज रिलैक्स है, आपके शोल्डर रिलैक्स है और आप सीधा इजी वे में देख पा रहे हो,
चीक को बहुत ज्यादा दबाव के भी नहीं रखना है कि दबाना है, किसी भी चीज के साथ आप जबरदस्ती करोगे तो वो थोड़ी देर आप उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हो सकता है ऐसे करने से 10 शॉट्स आपके ठीक चल जाए, लेकिन जब आप 12th या 13th शॉट पे जाओगे तो आपकी मसल चाह के भी वो काम नहीं करेगी जो आप उससे करवाना चाह रहे हो। तो हमेशा इजी रिलैक्स, आपकी माउंटिंग होनी चाहिए, आपके शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, आपका आगे वाला हाथ फ्रंट जो लेते हैं लेफ्ट हैंड ये रिलैक्स होना चाहिए, ये थोड़ा टाइट हो गया कि गन कंट्रोल है कि जहां आपकी बॉडी जा रही है उधर आप जा रहे हो, मतलब आपकी गन के साथ आपका ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि गन आपकी बॉडी का पार्ट आपको लगे, वो भारी नहीं लगे या बहुत ज्यादा हल्की भी नहीं लगे, आपकी बॉडी का पार्ट उसको फील होना चाहिए। और अगर मेरा हाथ जा रहा है तो मेरी बॉडी को पता चल रहा है, तो ऐसे ही आपकी बॉडी का और गन का कनेक्शन होना चाहिए। वो थोड़ा सा मतलब माउंटिंग प्रैक्टिस आप करते हो, आईज क्लोज करते हो, उसको फील करते हो, तो धीरे धीरे आप उसके यूज हो जाते हो। थैंक यू मैम। मैम ये कॉल क्या होता है? कॉल होता है जो सामने फोलो पुल लगे होते हैं, माइक्रोफोन जो लगे होते हैं, कोई बोलता है पुल, कोई बोलता है आ या जिसको जो इजी लगता है, मतलब एक साउंड निकलता है जिस साउंड से टारगेट रिलीज होता है। ओनली साउंड क्वेश्चन इन चैट बॉक्स मैम, केवल केवल साउंड देना है मैडम, ओनली साउंड जो भी है रेडी ओके ऐसा कुछ? रेडी ओके आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है। इजी जिससे आपको बोलने में एनर्जी ज्यादा नहीं लगे और झटका नहीं लगे, मतलब आपने एक बार गन को अगर रखा है तो फिर अगर मैं कॉल करती हूँ टारगेट को, मैं बोलती हूँ आ, मैं मुंह खोल के माउंट करती हूँ थोड़ा सा ना आ, तो ना मेरा फेस हिलता है ना मेरे स्टमक में जोर जाता है। कई लोग बोलते हैं पुल, तो उनको अपनी कॉल पे काम करना पड़ता है थोड़ा सा, कि जिससे कॉल करते टाइम अगर आपका बैरल मूव कर रहा है या थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आगे टारगेट को चेज करने में प्रॉब्लम होती है। मैम क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। ओके, वाइट मार्क डिस्टेंस फ्रॉम शूटर सर? मैम 15 मीटर। थैंक यू मैम। ओके, इसमें एक क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज फॉर ट्रैप एंड स्कीट शोल्डर। शोल्डर के लिए तो यार ये तो आपको जिम ट्रेनर बेटर बता पाएगा, लेकिन जो मैं शोल्डर के लिए करती हूँ, मैं छोटे वाले डंबल्स लेके उनकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो मैं करती हूँ, और स्ट्रेंथनिंग के लिए, मतलब मसल गेन नहीं करने के लिए करना है, स्ट्रेंथनिंग के लिए जो जो एक्सरसाइज होती है शोल्डर की वो मैं करती हूँ, या फिर मेरे को बेटर लगता है कि सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं सबसे ज्यादा हमारा ये वाला पार्ट में स्ट्रांग होता है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए, पुशअप्स एंड पुलअप्स। पुलअप्स बहुत ज्यादा नहीं करने, क्योंकि अगर आप पुलअप्स करोगे तो आपकी मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं। हाँ आप पुशअप्स कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा आप पुशअप्स कर रहे हो, मसल्स को टाइट नहीं होने देना है, ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है, मतलब जो लीन बॉडी होती है ना वो वाली एक्सरसाइजेस आपको करनी है स्ट्रेंथनिंग के लिए, ना के मसल गेन करने के लिए। वन क्वेश्चन मैम प्लीज। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें दिया है मैम, क्या पुल बोलने के टाइम पोजीशन लेते हैं या बाद में लेते हैं? नहीं, जब आप 100% रेडी हो जाते हो पोजीशन लेके गन माउंट करके, और आपको टारगेट को कॉल उस टाइम करना है जब 100% रेडी है, सब कुछ गन लगा हुआ है, पोजीशन सेट है, सब कुछ सेट है, लास्ट में आपको टारगेट को कॉल करना है। हाँ जी आप बोलिए प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन है ना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस पे है, जैसे सबकॉन्शियस से हमारी शूटिंग हो रही है, जैसे ही सीरीज अच्छी हुई तो कॉन्शियस हो जाता है, तो उसके लिए किस चीज का अभ्यास किया जाए जो हर बार सबकॉन्शियस ही हमारी शूटिंग हो, तो इस चीज में कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस पे थोड़ा सा बताएं प्लीज। सबकॉन्शियस से शूटिंग बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबकॉन्शियस को डे बाय डे अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जब आप मेंटल ट्रेनिंग करते हो मतलब इजीली आप बैठ जाते हो और फील करते हो कि ये मेरी रेंज शूटिंग रेंज है, और ऐसे मैं खड़ा हो गया हूँ, ये मैंने गन माउंट की है, इसमें मतलब
उस लेवल पे आपको हर शॉट फायर करना है कि आपकी बॉडी वो फील करने लगती है। लेकिन सबकॉन्शियस को पागल बनाना बहुत आसान काम है, इतना ही उससे बेवकूफ बनना भी आसान है। सबकॉन्शियस से कब आप कॉन्शियस में चले जाते हो, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है ना ये बहुत लालची होता है, सबकॉन्शियस में जाने के बाद भी कई बार आता है अरे ये, जैसे आप लोगों का होता है कि मेरी 100 की सीरीज लग गई है, एक और ऐसे ही मैं चलाऊंगा। तो जहां हमारे दिमाग में स्कोर आ गया या एक और ऐसे चलाऊंगा, तो हम अपने प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। उसी टाइम अपने आप को रोकना है और फिर अपने आप को बोलना है कि रीस्टार्ट, मैंने अभी तक तो कोई सीरीज नहीं चलाई है, ये मेरी फर्स्ट सीरीज है। मतलब मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 10 kg वेट एक साथ उठाओ और फिर आप दौड़ो, तो आप कितना दूर दौड़ पाओगे? और एक मैं आपको बोलूं कि ये 1 kg का डंबल है या 1 लीटर की पानी की बोतल है, इसको लेके आप दौड़ो, तो आप किस में ज्यादा देर तक दौड़ पाओगे, 10 kg के साथ या 1 kg के साथ? 1 kg के साथ। हाँ, तो अपने दिमाग को जब आप मेंटल ट्रेनिंग करते हो या ट्रेनिंग करते हो, उस टाइम वन बाय वन, वन शॉट वन टाइम, वन शॉट वन टाइम, इसी तरह जब भी आपके दिमाग में आता है, फिर भी आ जाता है कई बार दिमाग में, हम लोगों के भी आता है, तो उसी टाइम अपने आपको नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन थॉट को बदला नहीं जा सकता है, या फिर उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, बिना कुछ सोचे बिना उसे कुछ बोले आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो जब भी आपके दिमाग में स्कोर आता है या कुछ भी आता है, तो अपने आप को उस टाइम शटअप कॉल करो और बोलो कि मैं, ये मेरा फर्स्ट शॉट है और ये मेरा प्रोसेस है। और जब आप अपनी पिस्टल उठाते हो या हम गन उठाते हैं, तो मैं अपने दिमाग को यहाँ से बोलती हूँ कि बंद, गन उठाने के टाइम पे कि बंद, और फिर ऑटोमेटिक वो चलता है, और एकदम से नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगा, आपके सारे सीरीज ऐसे कंट्रोल कर लोगे आप वन बाय वन। हो सकता है कि पहले, जैसे मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मैं फर्स्ट शॉट वन टाइम, वन शॉट वन टाइम, 10 तक मैं ऐसे जाती हूँ, फिर मेरे दिमाग में आता है अरे यार 10 तो लग गए। उसके बाद अगर मेरा 11वां या 12वां टारगेट छूटा है, तो मैं फिर उसको वहीं पे छोड़ के बोलती हूँ कि नहीं रीस्टार्ट, ये मैं नॉर्मल प्रैक्टिस में करती हूँ। फिर मैं वापस से नंबर 1 स्टेशन पे, जहां मेरा टारगेट छूट जाता है, मैं उसके बाद रीस्टार्ट करती हूँ। मतलब आगे उस टारगेट को मैं रिपीट नहीं लेती, या फिर एक टारगेट को मैं तब तक शूट करती रहती हूँ जब तक मैं अपने आप को टारगेट देके जाती हूँ दिन का, कि मेरे को हर स्टेशन से 5 शॉट फायर करने हैं, आज 5 राइट करने हैं, 5 लेफ्ट करने हैं। लेकिन जब तक वो 5 कंटिन्यू नहीं हिट होंगे, मैं अगले स्टेशन पे नहीं जाऊंगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो जिस इवेंट में आप हो उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अच्छा मेरे को हर स्टेशन से 5-5 राइट शॉट चलाने हैं, और जहां पे भी मेरा ब्रेक होगा तो मैं रीस्टार्ट उसको करती हूँ, उसको काउंट नहीं करती हूँ मैं, जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है कि मेरे 25 आज मेरे को लेफ्ट टारगेट चलाना है, जब तक वो 25 कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मैं उसको रीस्टार्ट करती रहती हूँ, रीस्टार्ट वापस से एक पे वापस। कई बार ऐसे होता है कि 20वें टारगेट पे जाके और फिर टारगेट छूट जाता है, तो फिर उसको मैम एक और क्वेश्चन है मैम, जैसे हम एयर सीखते हैं या 0.22 में 0.32, तो उसमें तो हमें वेपन्स मिल जाते हैं, तो अच्छा, बताइए कि कैसे जर्नी कैसे। हाँ जी मैम, क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, हाँ जी मैम, जैसे हम 10 मीटर या 0.22 या 0.32 में रेंज में जाते हैं, तो हमें वेपन्स अरेंज हो जाते हैं और बुलेट्स अरेंज हो जाती है, तो इसमें कैसे शुरू करते हैं? मतलब हम एक न्यू कॉमर्स गया सीखने के लिए, तो जर्नी कैसे होगी उसकी? देखो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आपका कोई नोन नहीं है तो आपको वेपन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके भी जैसे क्लब्स हैं, जयपुर में है हमारा दिल्ली रेंज है, आप वहां से कोचेस, मानव रचना में आपको एमिनेशन भी वो प्रोवाइड कराते हैं, गन भी प्रोवाइड कराते हैं, और उनकी मेंबरशिप होती है वो आपको लेनी पड़ती है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है।
लेकिन हाँ ये है कि इसमें जैसे पिस्टल राइफल के बहुत सारे क्लब्स हैं, शॉटगन के क्लब्स थोड़े छोटे हैं, कम है मतलब, और दूर दूर है, जैसे हैदराबाद में है या तो जयपुर में है, एक अलीगढ़ में भी है, वहां पे भी आपको चीजें प्रोवाइड करा देते हैं जो पर वर्षा इनको बता दो कि इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव आल्सो, क्या क्या खर्चा होता है। हाँ शॉटगन का ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जो हमारा बुलेट आता है वो एनआरआई से, अगर मैं RC4 लेती हूँ तो 50-54 का वो मेरे को एक बुलेट मिलेगा, जो टारगेट होता है जो उड़ता है वो 12 से 14 रुपए के बीच में एक मिलता है, और शाम को तक आपको अगर आप 3 राउंड भी चलाते हो तो आपको 125 बुलेट्स चाहिए होते हैं और 90 क्ले टारगेट्स चाहिए होते हैं, और अगर कोई आपसे गन के भी चार्जेस ले रहा है तो फिर मतलब एक दिन में आपको कम से कम 7 से 8 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसकी ट्रेनिंग करने के। क्लियर है? कम से कम 4 से 5 तक जा सकता है अगर आप 125 ना करके सिर्फ ड्राई करो और सिर्फ 25 गोलियां ही चलाओ तो भी, अल्टरनेट डेज करो तो भी 4 से 5 हजार होता है। मैम बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है ड्राई प्रैक्टिस में, हम ड्राई प्रैक्टिस में सिर्फ माउंटिंग कर सकते हैं, माउंटिंग राजा महाराजाओं का खेल है तभी तो इसको राजा महाराजा का खेल बोलते हैं। नहीं तभी आपके सामने मैडम राजा महाराजा ही तो बैठी हुई है, कितने नहीं, मैं बिल्कुल राजा महाराजा नहीं, मैं राजा महाराजा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल से बेसिक से गांव से बिलोंग करती हूँ, और जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी की वजह से मैं ट्रैप शूटिंग कर पाई हूँ, अगर मैं चाहती घर से तो पॉसिबल नहीं था उस टाइम जब मैंने शुरू किया था 2005 में, उस टाइम 5000 एक दिन में खर्च होते थे, शुरू शुरू में मेरे फादर साहब ने किया भी लेकिन मुझे लगा नहीं ये बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, तो मैं लकी थी कि इंडियन आर्मी में मुझे जगह मिली और मैं जो कुछ भी कर पाई इंडियन आर्मी की वजह से कर पाई हूँ। मैम एक क्वेश्चन, मैम हाँ जी मैम, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के लिए मैम अभी प्रेजेंट टाइम एज लिमिट क्या है मैम? 21 ईयर्स तक वो लेते हैं मैम, बट शूटिंग में वो ऐसा है नहीं, वो मिनिमम ढूंढते हैं 17-18 तक या 19 तक बच्चे उनको मिल जाए, इससे प्लस वो लेते ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, जो आर्मी के अंदर सॉरी जरूरी नहीं है कि आप शूटिंग से ही जाते हो, जो नॉर्मल ट्रेड से जाते हैं उनके भी इंटरनल YBC वगैरह कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को एमयू से आए हुए। नेक्स्ट सेशन में कुछ आर्मी वालों से आपकी क्लासेस करवाऊंगी, जिसमें कि मेंटल ट्रेनिंग की क्लास होगी, पीरियडाइजेशन होगा, लेसन प्लान होगा, तो उसमें से उन्हीं में से मैं आपसे जानकारी उसके बारे में दिलवा देंगे कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में आर्मी वाले अभी मांग रहे हैं, ले रहे हैं, अगर वो नेशनल चैंपियन है और एज ग्रुप उनका कवर कर रहा है तो सिलेक्शन आपका हो सकता है उसमें भी शूटिंग के थ्रू, बट यू शुड से समथिंग मैम, कैन आई से समथिंग अबाउट दैट? हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए बोलिए, अगर आपको पता है बोलिए। हाँ जी मैम, पवन बात कर रहा हूँ, मैं महू से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली इसका क्राइटेरिया ये है मैम कि जो या तो नेशनल में जो मेडलिस्ट है या जो उनका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसके थ्रू भी आ सकते हैं, और उसके अलावा साल भर में ये लोग 2 ट्रायल निकालते हैं, तो शूटर आके डायरेक्टली वहां पर अगर ट्रायल देके तो भी वो एंटर कर सकता है इसमें। वेरी गुड, थैंक यू पवन। सर ट्रायल कहाँ पे होते हैं? एमयू में ही ट्रायल होते हैं, यहाँ पर सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपके जब भी ट्रायल्स होते हैं ये लोग ओपन बिड निकालते हैं, या मतलब जैसे वैकेंसीज होती है ना इंडियन आर्मी में, सेंटर में वैकेंसी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी शूटर की रहती है तो वो डायरेक्टली आके यहाँ पर सीओ से परमिशन लेके अपने ट्रायल दे सकता है, अगर उसका स्कोर कॉन्स्टेंट होता है। 3 ट्रायल लेते हैं, अगर तीनों ट्रायल में शूटर कॉन्स्टेंट करता है तो वो यहीं से शूटर के डॉक्यूमेंट लेके किसी भी सेंटर को फॉरवर्ड कर देते हैं, देन उसके बाद में अगर वो शूटर मेडिकल एंड फिजिकल क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो वो रेगुलर सर्व करता है किसी भी यूनिट या रेजिमेंट से, और वो प्रैक्टिस अपने एमयू में ही करता है, उसका फुल टाइम जो है एमयू में ही उसको शूटिंग करने मिलती है। पवन सर जी, सर आपका कांटेक्ट नंबर सर मैसेज में सर अगर हो सकता है तो सर सेंड कीजिएगा। हाँ कोई इशू नहीं, हम लोग सब साथ में ही है, अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है क्योंकि अभी तो ट्रायल्स ऐसे कुछ है नहीं, हम लोग अभी NIS पूरा साथ करने वाले हैं तो हम सब एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगे। पवन गीते मेरा पूरा नाम है और बाकी जो हमारे जो ग्रुप बने हैं मैं उसमें अपने नंबर शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू सर।
आई हैव डन मैम, आई हैव डन। ओके नेक्स्ट प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बलराज बोल रहा हूँ। हाँ जी बलराज सर। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बता दिया जैसे 5 स्टेशन होते हैं इसमें, हाँ जी, तो मैम सब स्टेशन पे जैसे जो टारगेट की हाइट है वो सेम ही आती है अप डाउन होती है? नहीं, टारगेट की हाइट अप डाउन होती है, डिपेंड करता है कि कुछ टारगेट जो 45 डिग्री एंगल के जो टारगेट है वो नीचे से जाते हैं काफी 1.5 मीटर पे वो जाते हैं, जो मैंने बोला कि 3.5 और 1.5 की हाइट पे उसको सेट किया जाता है, तो हाइट सबकी सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। मैम अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जैसे वेपन शेयरिंग है, सपोज करो आपने मैच कर लिया, उसके बाद कोई अदर शूटर मैच करेगा तो उसको कैसे सेट करेगा, उसको क्लिक्स वगैरह देगा या सेम प्रोसीजर वही होता है? इसमें क्लिक्स नहीं होती है बलराज जी। ठीक है जी। हाँ इसमें क्लिक्स नहीं होती है, वो सिर्फ आपको अमाउंट के हिसाब से आपका स्टॉक सेट होता है। ठीक है। जब आप उस वेपन के साथ प्रैक्टिस करते हो तो यूज टू हो जाते हो, कई बार होता है कि जैसे आईज नीचे चली जाती है या आईज कट जाता है, तो उसके लिए रिंग डाल देते हैं या निकाल देते हैं, उसमें सेटिंग्स का होता है। हाँ, वो भी तब चलते हैं अगर आपका फिक्स स्टॉक नहीं है, आपका एडजस्टेबल स्टॉक है तो आप उसमें डाल सकते हो, और अगर आपका फिक्स स्टॉक है तो नहीं डाल सकते। थैंक यू। अच्छा इस ग्रुप में जरा पूछना कि कितने शॉटगन के हैं शूटर? हाँ जी, कितने शॉटगन के शूटर्स हैं इसमें आप बताओगे मुझे? एक तो गुजरात से है मैम। ओके। हाँ मतलब वो राइफल और आलम खान फ्रॉम गुजरात। ओके आलम, और एक और भी है शायद, मुझे लगा कोई करके कोई है लड़का। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटे। आई एम फ्रॉम भोपाल मैम, मैं भी शॉटगन शूटर हूँ, स्किट प्लेयर। अच्छा आप भोपाल से हैं? जी मैम। ओके तो आपको तो भोपाल एकेडमी में होंगे आप तो? हाँ मैम मैं भोपाल एकेडमी से शूटिंग। तो आपके तो बल्ले बल्ले, आपके पास तो बहुत फैसिलिटीज है वहाँ पर। मैम अभी करेंटली तो मैं एकेडमी में नहीं हूँ, अभी मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ करेंटली। शगुन मैम, अभी स्कीट में एक भोपाल के बच्चे ने इतना अच्छा किया है कि वो 8th पोजीशन पे घुस के और सिल्वर मेडल लेके गया है, और बहुत टफ फाइट उसने महराज खान को दिया। अरे रियली, क्या नाम है उसका? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है मैम उसका, लेकिन मैंने उसका फाइनल देखा था, उसने बहुत बहुत सुंदर फाइनल चलाया। किसने? दिल्ली एमपी से है मैम, अर्जुन ठाकुर हो सकता है। अर्जुन ठाकुर शायद से। अच्छा ये एमपी अकेडमी के बच्चे ना करनी सिंह में ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 महीने से। हाँ जी हाँ जी, 2.5 मंथ से, क्योंकि इनकी रेंज डेवलप हो रही है एमपी एकेडमी की। हाँ जी हाँ जी मैम। तो इनके पास बल्क में एम्यूनिशन, क्ले, एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटीज आर देयर। या तो जो चाहता है कि मैं शॉटगन सीखूं, वो अगर वो एमपी का है तो वो भोपाल एकेडमी में ट्रायल देके उसमें आ सकता है। एमपी एकेडमी तो मैम इस टाइम बेस्ट है। ओनली द वे टू शूट प्रॉपर्ली लाइक मैम की, वहां पर एम्यूनिशन और वेपन का कोई शॉर्टेज नहीं है, बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत इजी क्राइटेरिया है वहाँ पर इंटर करने का। हाँ वो मैडम ने बहुत हेल्प करी है, वसुंधरा मैडम से मैं मिली थी अभी वर्ल्ड कप के बारे में भी जानकारी के लिए, शी हैज गिवन बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों को, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर। और मैम सबसे जो दूसरी स्टेट के प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे आके? नहीं नहीं वो शायद दूसरी अकेडमी के लिए है, पेमेंट में हो सकता है। ऑन पेमेंट जो भी एमपी शूटर्स हैं वो कर सकते हैं। ऑन पेमेंट पे तो आपको सबसे सस्ता तो डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज है, 100 रुपीज पर एनम। आप अभी बोल रहे थे कि अगर आपको ऐसे, अगर आप एमपी से भी हो और अगर आपको शॉटगन मतलब करनी है और अगर ऐसे एकेडमी से करनी है, बट मैम एकेडमी का तो वहाँ पे एज लिमिट है आई थिंक, उन्होंने तो वो हर साल हालांकि रिवाइज करते हैं बट उन्होंने कभी भी 18 से ऊपर रखा ही नहीं है, तो अब 18 तक आते आते हम जैसे हाउस होल्ड के लोगों को तो पता चलता है कि क्या शूटिंग होती है, फिर ज्वाइन करने जाते हैं राइफल या पिस्टल शूटर्स होते हैं तब तक पता चलता है कि ठीक है अब तो कोई ले ही नहीं रहा है। वैसे एक चीज इसमें है कि राइफल पिस्टल में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शॉटगन का है, बिकॉज शॉटगन थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस होता है शूटर्स को जो आर्मी बिलोंगिंग है या कहीं और से आते हैं, तो उन लोगों को शॉटगन थोड़ा सा नॉन होता है, बल्कि एयर पिस्टल एयर राइफल में मेरे ही मतलब बच्चे स्टार्टिंग से वहां पर है, जब एकेडमी स्टार्ट हुआ था प्रकाश के साथ में,
एयर पिस्टल और एयर राइफल बहुत इजी है आपको वहां पर एंटर करना, अगर कोई एमपी प्लेयर है और अगर वो नेशनल प्लेयर है तो ही और शी कैन डू डायरेक्टली, उसमें कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, वो हेल्प करते हैं उसके लिए। और पवन सर, एमपी गवर्नमेंट की तो सबसे अच्छी चीज ये है कि वो टैलेंट को सर्च करते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है। हाँ, जैसे महिमा है, बहुत सारी ये लड़कियां हैं, प्रीति रजक है, और ये जो दिन के दहाड़ी के काम करने वाले इनके फादर मदर हैं, ये लोग इनको लेके आए हैं और आज इंडिया में इन बच्चों का नाम है और ये मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब वहां ऐसा नहीं है कि मनीषा कीर भी है। मनीषा कीर, प्रगति दी, कोर एग्जांपल्स जो एमपी एकेडमी से हैं। वर्षा मैम, जब आप एमयू में आप आए थे, अगर उस समय मतलब ये क्राइटेरिया नहीं था कि सिर्फ एमपी का होना चाहिए, बट आपने उस समय एमयू नहीं था, उस समय एकेडमी नहीं थी, उस समय एकेडमी नहीं थी जब आप एमयू के शूटर होते थे और आप उसके बाद दिल्ली चले गए, अदरवाइज अगर आप वहां होते तो शायद कोई और ही था। नहीं, जिस टाइम हमने मतलब अभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो जो है वो अभी भी एमयू के पास है सबसे ज्यादा, मैं ये बोलूंगी। इज नो डाउट इन दैट, यस। नहीं नहीं, वो तो है मैम, वो तो है, बट सिविल में मैम, सिविल में ये चीजें देखने में, सिविल में यस, एमपी एकेडमी के पास है, एमपी एकेडमी के पास सब कुछ है, और उसके बाद फिर हमारे दिल्ली रेंज पे है, दिल्ली रेंज करनी सिंह पे तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली रेंज जो है एनसीओई के बच्चों को सब कुछ फ्री दे रहा है। या तो आप इतने अच्छे बनो कि एनसीओ खेलो इंडिया के थ्रू आ जाओ, तो आपको एम्यूनिशन, क्ले बर्ड, हॉस्टल फैसिलिटीज 10,000, टॉप्स में तो 25,000 मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। दिल्ली रेंज पे भी ऐसे बच्चे हैं जिनको साई दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन एक लेवल पे आपको पहले हार्डवर्क करके आना पड़ेगा। एमपी गवर्नमेंट का मैम ये अच्छा है कि पहले वो आपको सर्च करते हैं, सारी चीजें देते हैं और बना देते हैं। That's true. चलो, इतनी श्योरिटी हम देते हैं, वर्षा मैम आपके सामने ही है, कि हम वर्षा से मैं कहूंगी बेटे कि आप लोग जितने भी हो ना, आपको दो दो शॉट फायर तो करवा ही देंगे, एक या दो बुलेट तो आपको फायर करवाएंगे हम, वो मेरी तरफ से पूरे ही जितने हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप सबको देखो वर्षा ने कह दिया, और जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको गोली जरूर चलवाएंगे शॉट गन की। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपका ये ड्रीम पूरा कर देंगे कि आप शॉटगन चलाएंगे। और ना शॉटगन, मैं एक चीज आपको बोलती हूँ, शॉटगन ना बहुत ऐसे नहीं है कि हाई फाई है या कुछ है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो करनी सिंह शूटिंग रेंज मोस्टली सभी लोगों ने देखी होगी, मैंने तो हम लोगों ने सीनियर स्टार्ट किया था, मैंने और सीमा तोमर ने, हम लोग नीचे से ये जो फोर्ट है एयरफोर्स साइड से नीचे से ऊपर रेंज तक गन के साथ और 125 एमिनेशन के साथ ऊपर पैदल चल के आते थे। दिस इज ट्रू, इवन आई हैव डन सो मेनी टाइम अप डाउन नीचे। आप जसपाल राणा का जानते हो, वो बिल्कुल पैदल जाता था, पैदल आता था, वहां से उसे कहता था कि शूटिंग नहीं है, भाग जाओ, यहाँ पर नहीं होगी। वो पैलेट्स नीचे से उठा उठा के, चिंदियां लगा के टारगेट पे मेहनत करी है। पता है आज की डेट में सब देख रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं देख रहा कि उन बच्चों ने, ये जो बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं, वर्षा है, सीमा है, जसपाल है, कितने लेजेंड हैं, ये बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके ऊपर आए हैं, शॉर्टर में नहीं लेकर आए। मैम, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट यू आल्सो। सिंस 2002 मैं शूटिंग में हूँ, एंड मेरा स्टार्टअप शूटिंग में एनसीसी के साथ था, तो लज्जा में हेमा और हम सब साथ के शूटर्स थे। तो मैम, हम आपको तब से देख रहे हैं, सनी थॉमस सर को देख रहे हैं, कि आप लोग जिस हिसाब से डेडिकेटेड हैं एनआरआई के लिए, जो आप वर्क कर रहे हैं, मतलब अगर स्टेट बॉडी में आप जैसे प्लेयर मतलब डेडिकेटेड शूटिंग कहीं पे भी पीछे रहे, और अभी आप जो इनिशिएट लिया मैम आपने शूटिंग में एनआरआई स्टार्ट करवाया मैम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जितने कोचेज यहाँ पर हैं मैम, शायद बहुत कम प्लेयर इसमें होंगे जो बहुत पुराने हैं, बट वर्षा मैम को, आपको और सनी थॉमस सर, इन लोगों को मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब मैं आई वॉज 17 ईयर ओल्ड। तो मैम, ये बहुत बड़ा इनिशिएट है मैम जो एनआरआई ने लिया, और आप लोग जो काम कर रहे हैं, आई एम ग्लेड फॉर यू मैम, जो आप कर रहे हैं, सिंसियरली मैम, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे। थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट में जो साई के जो कर्नल राज सिंह बिश्नोई जी जो हैं,
जो पटियाला के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो फौजी हैं, वो आर्मी से ही हैं, और आपके जो फौजी के कर्नल अमरजीत सिंह जी सीओ हैं, जो आपकी सारी फौज है, चाहे उसमें पेम्बा है, सुरेंद्र राठौर है, विजय है, जितने भी आपके फौजी लोग हैं, ये सबका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो इसमें आर्मी, नेवी प्लस साई एंड एनआरएआई, ये सबका कंट्रीब्यूशन है जो आज आप लोगों को मिल रहा है। तो उसके लिए मैं क्रेडिट देती हूँ कर्नल राज सिंह बिश्नोई, जो एनआईएस एनएसआई के पटियाला में है। उन्होंने एक ड्रीम देखा है कि इन बच्चों को सबको एजुकेट करो, अवेयरनेस करो, तो उन्होंने शायद मुझे ये चांस दिया है। तो गॉड की ग्रेस से आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप सबको बहुत अच्छा मिले, और मुझे खुशी है कि आप इतने अच्छे लगन से सीख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। एंड पवन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द फौजी, क्योंकि मेरी लिस्ट में सबसे जो सल्यूट करती हूँ मैं, जो मेरा सर नमन से झुकता है, वो फौजियों के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। माता पिता, परमात्मा, गुरु और फौजी, और मैं किसी को नहीं मानती उनके आगे। आपके आपके वर्ड्स में हम लोग ले लो तो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं ना आप लोगों को मैं आप सब लोगों को ना इस कोर्स के बारे में एक और चीज बता दूं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों को ना जो अभी कोच बनने के क्राइटेरिया, मतलब आप सब लोग इसे एज ए कोच इसको सीख रहे हैं, लेकिन आपका मन करेगा ये कोर्स करने के बाद कि मैं वापस से रीस्टार्ट शूटिंग करूं, कोचिंग बाद में करूंगा, पहले एक बार फिर से अपनी शूटिंग करता हूँ। ये मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं ऑन एंड ऑफ शूटिंग कर रही थी 4-5 साल से, लेकिन ये कोर्स करने के बाद से मैं वापस नेशनल में अच्छा किया है। अभी दिग्विजय में मैं गई थी तो टॉप 8 मेरा 1 पॉइंट से रहा है, ट्रायल्स में मेरा वापस से सिलेक्शन हो गया है, और मेरे को ये कोर्स करके ऐसा फील हो रहा है कि मैं 40s में नहीं 20s में चला रही हूँ अभी वापस से। इस कोर्स करने से आपको इतनी नॉलेज गेन होगी, इतनी नॉलेज गेन होगी कि आपका पूरा रिवाइव हो जाएगा, रिफ्रेश जिसे बोलते हैं ना, कि हेड कई बार मन करता है कि बहुत होचपोच हो गया है, सब भर गया है, तो इस कोर्स से आपका जो पुराना है पूरा दिमाग खाली करके अगर आप इसको सुनोगे, पढ़ोगे, तो आप बहुत कुछ सीखोगे जो आपने अपने शूटिंग करियर में नहीं सीखा होगा, वो आप यहाँ पे सीखोगे। और जब आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करोगे, साथ वाले को बताओगे, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मैम एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू दिस ओनली, कि अगर मैं ऑलरेडी प्लेयर रही हूँ और अब मैं ये कोचिंग कोर्स कर रही हूँ, तो इज देयर एनीथिंग कि इफ आई हैव जॉइंड एज अ कोच इन फ्यूचर, तो मैं बाद में एज अ प्लेयर नहीं खेल सकती? ये मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता है, ये आपको कौन सा ज्यादा अच्छा। मैं बताऊं वर्षा, अगर आप, कोई बात नहीं, अगर आप कोच का ये सर्टिफिकेट ले भी लेते हैं, 6-6 सर्टिफिकेट, उसके बाद भी आप शूटिंग कर सकते हैं। बहुत से देखो, वर्षा भी शूटिंग कर रही है, ऐसे पुष्पांजलि ने अभी नेशनल में सिल्वर मेडल जीता, वो भी इस कोर्स करने के बाद कोच भी बन सकते हैं। कोच से पहले आप शूटिंग भी कर सकते हैं खुद, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोच का ये है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे तब आपको सिर्फ कोचिंग करनी पड़ेगी। तो क्या जॉब ज्वाइन करने के बाद जब मैं एज अ कोच अपॉइंटेड हूँ, तब क्या मैं एज अ प्लेयर भी खेल सकती हूँ? नहीं, फिर नहीं। अगर कोच आप कहाँ पर है, अगर आप कोच गवर्नमेंट उसमें है, एम्प्लॉय में एसआई के किसी उसमें है, तब नहीं। अगर आप प्राइवेट अपनी क्लब की कोचिंग कर रहे हैं तो यू कैन शूट आल्सो, नो इशू। मैम मेरे वजह से ये 6 वीक कोर्स हमने कर लिया मैम इसके, और हमारे पास एक वो ऑल इंडिया इंटर्न यूनिवर्सिटी है, तो उसके बिहाफ पे मैम हम वो फुल एनआईएस कर सकते हैं। कर सकते हो बिल्कुल, कोर्स सीखने में, पढ़ाई करने में कोई मना नहीं है, ये आपको हेल्प करेगा सर। ये सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको, जब आप अप्लाई करेंगे उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको फॉलो करेंगे तो आप कर सकते हैं। एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, देर इज नो एंडिंग फॉर लर्निंग। मैं इतनी साल में भी अभी भी सीख रही हूँ, आप सीख सकते हैं। मैम अभी हमारे यहाँ डिप्लोमा थोड़ी हो रहा है मैडम, 1 ईयर वाला वो बेंगलोर में चल रहा है आजकल, उसका एक्सटर्नल एग्जाम चल रहा है वहां पर बेंगलोर में। गुड मैम, बेंगलोर में चल रहा है 1 साल का, उसमें 20 ट्रेनीज है,
उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर फिर उनका शुरू हो जाएगा जनवरी में, उनके एग्जाम चल रहे हैं। हेलो मैम, डिप्लोमा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया एसआई का। मैम अभी हुआ है ना मैम, वन ईयर वाला कल ही बैच है ना मैम। मैम डिप्लोमा के लिए सर्टिफिकेट क्या क्या होने चाहिए? डिप्लोमा के लिए आपके पास नेशनल, सबसे पहले तो नेशनल का होना चाहिए आपको प्लेयर, और 45 ईयर्स से छोटे होने चाहिए, 21 से बड़े और 45 से छोटे, और प्लस आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियन है, मेडलिस्ट हैं, तो 12+2 चलेगी, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आपके पास बीपीएड एमपीएड की डिग्री है, एमबी है, स्पोर्ट्स साइंस का है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, प्लस आप 2-3 नेशनल खेले हैं, तो आपका इंटरव्यू होता है, टेस्ट पास करना है, 2 बार इंटरव्यू होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपको ले लिया जाता है। मैम एक पॉइंट और ऐड होगा इसमें कि जो शूटर्स मतलब या जो कोच वहां पर जा रहा है, अप्लाई कर रहा है, अगर उसका कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल प्लेयर है, मेडलिस्ट है, तो उसके जो सर्टिफिकेट है और एक वो डिक्लेरेशन लगता है, तो अगर वो भी लगता है तो वो मिलता है। या वो जैसा कि एनआरए वालों ने आईएसएसएफ के कोच कोर्स में ये मांगा था, लेकिन साई का जो कोच कोर्स का डिप्लोमा है उसका क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा डिफरेंट था, और अभी आईएसएसएफ के साथ मैच करने जा रहे हैं, मे बी लेवल 2 पे साई करने जा रही है फ्यूचर में, उनका प्लान है, और उसमें साई जो कोशिश करेगी कि डिप्लोमा में बच्चों को हाउ टू रिपेयर द गन ऑल्सो, दे विल ऑल्सो लर्न कि वेपन की रिपेयरिंग कैसे होनी चाहिए, राइफल की, पिस्टल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ट्रिगर कैसे सेट करना है, यानी कोच को हर चीज आनी चाहिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से लेके हाउ टू रिपेयर द वेपन ऑल्सो, इन एंड आउट एवरीथिंग वी आर इनकल्केटिंग दैट, वो सब चीजें डाली जा रही है उसमें। फुल एनआईएस का ये फर्स्ट बैच ही है ना मैम, फुल का? यस, एनआईएस का वो फर्स्ट बैच डिप्लोमा का चल रहा है बेंगलोर में। मैम मैं ये बोल रहा था। हेलो मैम। हाँ बोलिए भैया। मैम जब भैया आप बोलोगे हम बोले, आप बोल लीजिए। मैम मैं ये बोल रहा था जैसे वहाँ ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के अंदर मैम जो पैलेट वगैरह जो वो होगा एमओ वगैरह, तो उनका पेमेंट हमें पे करना पड़ेगा या किस प्रकार से रहेगा उनका पेमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होंगी, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको भी करना पड़ेगा, जब एग्जाम्स वगैरह होंगे, जैसे अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो साई विल पे फॉर दैट, एमओ वेपन सब प्रोवाइड करती है साई, और पैलेट्स एमओ सब कुछ साई देती है, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मैम? हाँ उस टाइम पे एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी आपको खुद अपना देना पड़ता है। हाँ जैसे कि बाद में नहीं, जैसे अभी ट्रेनिंग पे आएंगे ना, जैसे वहाँ दो सप्ते के लिए, तो उस टाइम हमें पे करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, यू आर आस्किंग अबाउट दिस सर्टिफिकेट कोर्स में, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, साई विल प्रोवाइड यू, पैलेट देने पड़ेंगे, साई देगी। और जो शॉटगन का है, ये तो जैसे वर्षा बोल रही है आपके सामने, यू शुड बी थैंकफुल टू हर कि जो भी आपका ये प्रैक्टिकल सेशन कराने आएंगे शॉटगन का, वो अपनी तरफ से और साई की तरफ से क्ले बर्ड वगैरह वहां पर रेंज पे हम रिक्वेस्ट करके आपको दिलवा देंगे। हाँ यही है मैम कि जैसे ट्रेप का उनका जो एमओ वगैरह रहेगा वो किस आप प्रकार से? कईयों ने मैम यही है कंफ्यूजन थी कि हम अपना वेपन खरीदा था, हम अपना वेपन लेके आए या ना आए, बस ये कंफ्यूजन थी। प्लीज भैया आप एक बार पहले क्वेश्चन मैम का पूरा हो जाए, जिसके पास अपना वेपन है वो लाने की कोशिश नहीं करना, फिर आपको लाइसेंस भी दिखाना पड़ेगा, लाइसेंस भी लाना पड़ेगा, रखने के लिए आर्मरी तो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन हम एयर वेपन से आपको लाइव शूटिंग कराएंगे, शॉटगन चलवाएंगे, और 25 मीटर में आपको जो कोच है वो लेके जाएंगे, 25 मीटर का सारा बताएंगे आपको, रैपिड वगैरह का कैसे करते हैं क्या करते हैं। हाँ मैम वैसे तो वहां तो ट्रेनिंग कर... अच्छा अच्छा ओके मैम, यही था डाउट था कि पेमेंट कितना किस प्रकार से हमें वो करना पड़ेगा। आपको पैलेट्स वगैरह साई से मिलेंगे जो हम आपको वहाँ लाइव शूटिंग कराएंगे। हाँ मैम, अगर वर्षा मैम के पास में 5-7 मिनट का टाइम हो, एक शॉर्ट स्पीच मैम, मतलब जो अभी तक आपने गेन, जो अभी तक वर्षा मैम ने गेन किया है शूटिंग में, मतलब जो आपने स्ट्रगल देखा है। कनेक्शन हट रहा है, काफी देर से कर रहे हैं हम, तो कल फिर मिलते हैं। वर्षा थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टुमारो 9:30 वी विल मीट अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू, कंटिन्यू करेंगी वर्षा शॉटगन का। अगर कुछ क्वारीज है आपकी स्कीट के बारे में, ट्रैप के बारे में, कोई रूल के बारे में, कोई और क्वेश्चन के बारे में,
तो आप नोट करके रखिएगा, कल का दिन और वर्षा मैं आपके साथ रहेंगी, और फिर उसके बाद परसों जो है आपका नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। थैंक यू मैम, संडे को आपका ऑफ रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, मिलते हैं 9:00 बजे।